प्रवचन लिए और वो इतना उत्तम प्रवचन है कि उसका करीब करीब भारत की तो सब भाषा में अनुवाद हुआ ही, उसके अलावा विदेश की भी 6-7 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। हमारे वहाँ एक जापान की बहन है यूरिको करकर, उसने उसका जापानी भाषा में अनुवाद किया। और 4 साल पहले एक बहन जापान से टोक्यो से खास यहाँ आई और कहीं इंडिया में नहीं, सिर्फ पवनर आई, तो हमने उसको कहा वो पढ़कर, तो हमने उसको पूछा क्यों आई, तो कभी मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहाँ जाना ही चाहिए, कि जिसने ये किताब लिखी उनका स्थान मुझे देखना ही चाहिए। और मुझे इतनी शांति मिली उस किताब पढ़कर कि मुझे बहुत ही, तो इस में काफी खोज शुरू हुआ है, सडनली मोक्ष बढ़ने वैसे वो तो है। अभी क्या है, दुनिया एक हो गई इसलिए सब जगह का एक्सचेंज बहुत हो रहा है। और एक भाई ने, विनोबा जी जब थे तब एक अमेरिका से एक भाई की चिट्ठी आई थी, अमेरिका नहीं थी, कि आपका गीता प्रवचन में चौथी बार टॉक्स ऑन गीता में पढ़ रहा हूँ और हर बार मुझे ऐसा लगता है कि गुरु मेरे सामने बैठकर मुझे साक्षात उपदेश दे रहे हैं और इस किताब के कारण कुछ पूर्ण नहीं तो कुछ अंश में तो मेरा जीवन बदला है। तो ये किताब है। अब जैसे हमारे भूदान में कई कार्यकर्ता है, तो वो कार्यकर्ता आए तो कई लोगों ने ये कहा कि हमको गीता प्रवचन से प्रेरणा मिली, यानी कई लोगों की, इंडिया में तो कई लोगों की लाइफ चेंज हुई हो तो उस किताब, एक किताब से हुई है। तो उस तरह से उस किताब में कुछ विशेष है। और फिर उसके अलावा उन्होंने गीता के हर श्लोक पर कॉमेंट्री दी हुई, लेकिन बहुत शॉर्ट में दी, उनकी भाषा क्या है, सूत्रात्मक ज्यादा है, तो वो थोड़े में देते, क्योंकि वो मानते हैं कि आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, मैं सब कर दे दूंगा तो आप क्या करेंगे, इसलिए हर एक को सूत्र में वो सूचन दे देंगे, लेकिन फिर आप उसको एलोबरेट करिए अपने अपने तरह से। तो इस तरह से उन्होंने गीता ही चिंतनिका कर उनकी किताब है, इसमें हर श्लोक पर उनकी टिप्पणी है और वो नोट्स है, और उस नोट्स पर से फिर बाद में उन्होंने उसका वर्ग भी लिया, क्लासेस लिया, तो वो जो क्लास में उन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो भी उसमें जोड़ दिया है। तो इस तरह से उनकी 3 किताबें गीता पर जुड़े। उसके अलावा उनकी स्थित प्रज्ञ दर्शन कर गीता के जो 18 अध्याय के आखिर के 18 श्लोक है, हम रोज प्रार्थना में उसी की बोलते हैं, उसको बोलते, तो वो 18 श्लोक पर उनकी स्थित प्रज्ञ कर विशेष किताब है। और उस किताब के बारे में तो एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो भारत में 6 षड दर्शन है उसका तुल्य का ये 7वां दर्शन है, यहाँ तक उसके बारे में। और कई लोगों ने वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का है, और जो है गीता प्रवचन जो है वो एकदम सामान्य लोगों को समझ में आए, और डे टू डे लाइफ में हम गीता कैसे इम्प्लीसिट कर सकते हैं वो उसमें गीता प्रवचन में, टॉक्स ऑन गीता है, लेकिन ये एकदम हाई लेवल पर जो है दर्शन की तुल्य वो है स्थित दर्शन। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी एक पद्धति होती है कि जो हमको अध्ययन करना है, जैसे एक बार मैं उनके पास यहाँ से यात्रा में गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हारी मराठी, मेरी मातृभाषा गुजराती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम महाराष्ट्र में रहती हो तो मैं तुम्हारी मराठी की परीक्षा लेता हूँ। ऐसा कर उन्होंने मुझे एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिया और पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया, मराठी की परीक्षा ले रहे हैं तो मैंने मराठी की दृष्टि से पढ़ लिया। फिर मुझे वो कहते हैं कि अब तुम मुझे इसका 4 लाइन में कहो जो तुमने पढ़ा हो। तो मैंने कहा कि भाई मैं, आपने कहा था मराठी की परीक्षा ले रहा हूँ, इसलिए मेरा सारा ध्यान मराठी पर था, तो मैं एकदम नहीं बता सकती, तो मैं दोबारा पढ़ो मुझे बताओ। वो बढ़ाए, फिर उसके बाद कहते अब मुझे एक शब्द में उसका हेडिंग दो, पूरा जो पढ़ा उसका एक शब्द में हेडिंग, बस एक एक उन्होंने मुझे 15-20 मिनट दी, लेकिन 15-20 मिनट में मुझे पूरी अध्ययन की पद्धति बता दी कि हमको कैसे अध्ययन करना चाहिए। और ये उनकी ये पद्धति है कि उन्होंने गीता प्रवचन जो है उसके 108 विभाग कर दिए, यानी 18 अध्याय है, लेकिन उनका क्या है, कुछ अपने 108 माला के मन के होते हैं, तो उस तरह से उसके साथ भी अनुसंधान रखना, तो 108 विभाग कर दिए, यानी किस अध्याय के 2 अध्याय, किसमें 4 है, किसके 10 है, 8 है, 12 है, इस तरह से। और उस 108 फिर विभाग को उन्होंने इस सूत्र में बना दिया। अब जैसे 10वां अध्याय है वो विभूति दर्शन का है, उसमें अलग अलग कैसे प्राणियों में भगवान किस तरह से है, पक्षियों में कैसे है, वृक्ष में कैसे है, हिमालय में कैसे है, वो सारा बताया हुआ है। तो विनोबा जी ने उसके सूत्र बना दिए कि कैसे कैसे हमको भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढना है और किस रूप में ढूंढना है। तो उसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य में भगवान कहाँ रहता है, तो जहाँ सौम्यता है वहाँ भगवान है,
यानी कोई संत है, माता है, तो उसमें सौम्य रूप में परमेश्वर पड़ा हुआ है, तो उन्होंने एक सूत्र बना दिया मानुष सौम्यम, तो उसका एक विभाग आ गया उसमें। फिर सृष्टि में क्या है, तो बहुत रमणीय रूप में पड़ा हुआ है, संध्या के रंग देखो, उषा के रंग देखो, चांदनी देखो, अमावस्या का आकाश देखो, तो सब में भगवान है, रमणीय रूप में है। तो कहते हैं सृष्टौ रम्यम, सृष्टि में रम्य रूप से सूत्र के जैसे सूत्र बना दिया। तो वो क्या, वो दस अध्याय, दसवें अध्याय का चार पांच सूत्र है, वो अगर हमको कंठस्थ हो गए तो हमको दसवां अध्याय पूरा ख्याल में आ जाता है कि उसका क्या विषय है। पूरा श्लोक याद न हो लेकिन अगर हमको उसको खोल कर बताना है तो हम ये चार पांच सूत्र याद रखेंगे कि भाई मनुष्य में भी परमात्मा रहा हुआ है, प्राणियों में भी रहा हुआ है, सृष्टि में भी रहा हुआ है। और वहां तक उन्होंने कहा कि दुरात्मा में, रावण में भी परमात्मा पड़ा हुआ है। आप राम का परमात्मा पकड़ सकते हैं लेकिन रावण का भी पकड़ना चाहिए। तो कैसे पकड़ेंगे, तो चिंतन कर उसमें आत्म तत्व को ग्रहण करो तब उसको पकड़ेंगे। तो वैसे उस तरह से उन्होंने सारा सूत्र बनाकर सुलभ कर दिया। और फिर उसके बाद क्या कहा उन्होंने कि उसके करीब करीब उसमें 432 पैराग्राफ्स है पूरी किताब में, तो उसको भी सूत्र मिलेंगे, एक एक पैराग्राफ का भी सूत्र बना लिया। तो वैसे 432 और प्लस 108 ऐसे कुल मिलाकर सारा सूत्र है, उसमें आपको गीता प्रवचन इन नटशेल मिल जाएगा। तो ये उनकी अध्ययन की पद्धति थी। और ये उन्होंने सिर्फ गीता प्रवचन का किया ऐसा नहीं, उनकी करीब करीब सब किताबों का उन्होंने इस तरह से हमको सूत्र बनाकर दे दिए। तो आप सूत्र पढ़ लीजिए, अगर आपने एक दो बार वो किताब पढ़ी है फिर सूत्र पढ़ लीजिए तो अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो उनकी पद्धति थी वो एक हमको कैसे अध्ययन करना चाहिए, कोई भी किताब का हम अध्ययन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, इन नटशेल आपके पास सब कुछ आ जाना चाहिए। तो फिर नटशेल में आ जाए फिर आप उसको एक्सप्लिसिट कर सकते हैं। पूरा का पूरा याद रखने के बजाय थोड़ा सूत्र याद रख लीजिए फिर उसमें से आप उसको खोल कर बता सकते हैं। तो इस तरह से उनका एक अध्ययन की पद्धति रही। और उनकी ये जो मैंने कहा कि वो गीता कुरान का भी इस तरह से आपको सूत्र मिलेगा, बाइबल के भी सूत्र मिलेंगे, भागवत के भी सूत्र मिलेंगे, उनके करीब करीब सब ग्रंथों के उन्होंने इस तरह से सूत्र में कर लिया है। तो ये जो है वो, तो गीता के सूत्र को उन्होंने नाम दिया साम्य सूत्र, क्योंकि गीता को मैंने कहा कि उन्होंने साम्य योग नाम दिया, तो ये जो सूत्र है वो साम्य सूत्र है। तो साम्य सूत्र पर भी उनकी एक किताब है, क्योंकि कुछ सूत्र फिर उन्होंने खुद खोल कर बताया। तो उनका ये कहना है कि वो हर एक सूत्र का हर एक अपने अपने तरह से अर्थ निकाल सकता है, ऐसा नहीं उसको बांध नहीं रखो, खुला रखो, जिसको जिस तरह से चिंतन करना है उस तरह से उसको चिंतन कर उसमें से अर्थ निकाल सकते। तो ये जो प्राचीन पद्धति हमारी थी, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ हमारे सारे सूत्र में मिलते हैं, क्योंकि उस समय तो प्रेस नहीं था, इसलिए जो गुरु सिखाते थे वो फिर शिष्य को सूत्र के रूप में दे देते थे, और सूत्र परंपरा से याद रहते थे, तो फिर उसके बाद उसका वो हो जाता था। तो इनका ये है कि गीता पर उनकी कॉमेंट्री भी मिलेगी और उनके सूत्र भी मिलेंगे, इस तरह से उनकी एक अध्ययन की पद्धति थी। किताब का नाम क्या है, ये जो सूत्र में साम्य सूत्र, ये मिलेगा, साम्य सूत्र मिलेगा, गीता प्रवचन, गीता ही चिंतनिका और स्थित प्रज्ञ दर्शन, ये चार उनका गीता पर का मुख्य वो करेंगे। तो सब आज ऑडियो में कुछ नहीं है, ऑडियो में कुछ नहीं, उस जमाने में इतना था भी नहीं, रिकॉर्डिंग कुछ टेप्स है भी गौतम भाई के पास थी। रही बात ये एक्सपेरिमेंट का जो है, जैसे ये श्रम और भक्ति जब हम बात कर रहे हैं, इसको कहाँ तक हम सक्सेसफुली ले जा पाए, इसको बाहर समाज में या इन्वॉल्वमेंट ला सके। अब ये क्या है कि अब जैसे आश्रम है तो मिनोवाजी कहते ये एक लेबोरेटरी है, यानी स्पिरिचुअल और सोशल लेबोरेटरी जो कहो, क्योंकि गांधी मिनोवा में स्पिरिचुअल के साथ सोशल आ ही जाता है, स्पिरिचुअल अलग नहीं है, सोशल अलग, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से अगर एक लेबोरेटरी में जो प्रयोग होता है वो अगर सक्सेसफुल हुआ तो फिर समाज में उसका इम्प्लीकेशंस हो सकता है। तो मानो कि एक गांव है, यानी गांधी विनोबा का मुख्य एम्फेसिस ग्राम स्वराज पर था, दिल्ली में स्वराज आए उससे कुछ नहीं होता है, स्वराज ग्राम तक आना चाहिए, गांव में स्वराज आना चाहिए। तो उसका अर्थ क्या है कि गांव अपनी नीड्स में स्वावलंबी होना चाहिए, उसको अपनी आर्थिक उस पर शहरों पर डिपेंड नहीं हुआ। आज क्या परिस्थिति है, गांव में अनाज पकता है वो जाकर शहर में बेच देते हैं, शहर वाले के पास से वो वापस लाते हैं डबल भाव से, यानी वो हर तरह से एक्सप्लॉइट होते हैं,
वहां मार खाते बेचने में और खरीदने में भी मार खाते, दोनों तरफ मार खाते। अब परिस्थिति क्या है कि शहर वाले कुछ प्रोडक्ट तो नहीं करते ऐसी चीजें का, जो बेसिक नीड्स है उसका प्रोडक्ट तो शहर में होता नहीं है। तो गांव स्वावलंबी बन सकता है, शहर नहीं बन सकता है। लेकिन गांव को आज सारी रचना ऐसी हमारी हो गई है, ऊपर से आ रहा है सब, गांधी और विनोबा कहते बिल्डिंग फ्रॉम बिलो को। अगर नीचे से सारी इकोनॉमी आपकी शुरू होगी तो गांव स्वावलंबी बनेगा। तो क्या होगा कि आज क्या है, आज की इकोनॉमी या आज की सोशल सिस्टम जो है उसमें सेंट्रलाइजेशन बहुत मुख्य आ गया है और उसके कारण इतनी सारी विषमता फैलती है। तो सेंट्रलाइजेशन को तोड़ना होगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास भी होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी उसमें होगी। सेंट्रलाइजेशन में नहीं होगा, आप मशीन के पुर्जे बन जाते हैं। आप भी मशीन के साथ रह रहकर मनुष्य भी मशीन का पुर्जा बन गया है। तो उसका इंडिविजुअल जो है वो तो नहीं होता। आज क्या कितने विद्यार्थी है ब्रिलियंट है, लेकिन क्या सब टेक्निकल लाइन में और उसमें जाकर उनको निचोड़ लेते, कितना उनसे काम लेते हैं और उनकी जो टैलेंट्स है वो तो बाजू पर ले जाती। अब मेरा बच्चा जो पढ़ता था इतना सुंदर आर्ट्स करता था और इतना स्पोर्ट्स में भी आगे था, आज वो आईटी में गया है, खत्म, उसका स्पोर्ट्स भी खत्म और उसका ड्राइंग भी खत्म। और वो आईटी में क्या मिलेगा, उसको पैसा ही मिलेगा। अंदर का जो स्किल है क्रिएटिविटी नहीं है, उसका क्रिएटिविटी का आनंद भी नहीं है, दिन रात पैसे के पीछे और निचोड़ डालने कुछ सालों में और फिर बाद में उनको कुछ। तो ये जो सारी सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज होगी तभी सारे मनुष्य की व्यक्तित्व के विकास के लिए मौका मिलेगा। तो ये जो है कि स्मॉल स्केल पर सारा डेवलप करना पड़ेगा, ये जो लार्ज स्केल पर जो हो रहा है उसमें बहुत। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो एक लाइफ स्टाइल हो रहा है, वे ऑफ लिविंग, तो वे ऑफ लिविंग ऐसा ही होना है। फिर अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वे ऑफ